सच बताता हूँ, गुरु जी कुणाल भाई और जानवर भाई का बहुत ही बहुत शुक्रिया कि ऐसी गाइडेंस रही साथ में कि आज हम काजा से निकल आए, वरना शायद अगले 2 से 3 दिन हम काजा में ही हमें रुकना पड़ता। तो रेगी पर पासड़ी डिग्गी है तो दोनों टायर ऊपर हो गए अपने। ये तो कंडीशन बड़ी खराब है भाई, ये लोग सही कह रहे थे हम पागल ही हैं जो यहाँ पर आए हैं। और जांगड़ा भाई हमें लाए हैं ऊपर, इल्जाम लगेंगे। इल्जाम क्या करवा के बांधोगे प्रभु? अरे जब काका डट है भी की थे एक बाइक और गिर गई पड़ी जी सारे तारा में। साइड में ले लेना तो कोई ये देखो जी इसको दिख नहीं रहा है। क्या बोले भाई साहब, सरदार है 12 बज रहे भाई सरदार के तो दिख रहा है भाई साहब आगे से बाइक आ रही है और बाइक पे ज़्यादा खतरा है, फिर भी मेरे साइड ही ले रहा था। प्यारी प्यारी स्नोफॉल हो रही है भाई साहब, हल्की हल्की लिटिल लिटिल स्नोफॉल और बाइक पे चलती हैं दूसरे गियर में, क्या नज़ारा है जी। ली डांग रह गया जी 5 किलोमीटर ली डांग। तो ये देखो जी, अगर आप चढ़ाई पे पाकर बाइक रोक देते हो ना तो ये होता है आपके साथ उत्तरी। ओ भाई साहब रिपीट किया था मैं है, रुक जा मेरा भी याद है। हाँ हाँ वाह भाई साहब, जितने रिप्ट हैं हाँ। ये देखो जी KTM का टायर और रेडर का टायर खड़े खड़े घूम रहे भाई साहब। एक मिनट चलो, आराम से ज़्यादा रेस नहीं खींच दे, आराम से जाने दे। अब KTM की बारी भाई, जांगड़ा भाई आए हैं हेल्प करने के लिए। हमारी बाइक खड़ी खड़ी स्लिप मार रही है क्योंकि हमारे आगे युवराज भैया थे, हमारे ब्रेक लग गए। चलो ओहो अच्छा, मेरे पैर भी स्लिप हो रहे हैं। हो गई ओहो है, बस अपनी खड़ी खड़ी ना घूमने लग जाए। अब भाई साहब सांस फूल गए थोड़ी सी नहीं। और भाई साहब कमेंट करके बताओ आपको मौसम कैसा लग रहा है भाई? देखो ऐसा है जी, चढ़ाई आ जाती ना तो नू फिर पड़ गया। हाफ क्लच नहीं, हाफ क्लच नहीं लेना। एक मिनट रुक जा यार, कंडीशन बड़ी खराब है भाई, रोड तो जगह ही नहीं है कहीं चलाने की, कहाँ चलाएं बताओ। सच में ये लोग सही कह रहे थे हम पागल ही हैं जो यहाँ पर आए हैं। और जांगड़ा भाई हमें लाए हैं आपके ऊपर इल्जाम लगेंगे। इल्जाम क्या करवा के बांधोगे प्रभु? भाई सबके अंदर ये खुड़क थी, एक दो तीन सफेद बर्फ पे चढ़ाओ, सफेद बर्फ पे। ओ भाई साहब ये देखो फिर सोनू भैया ऐसे तो घर कहाँ पहुंचेगा तू? हाँ चलो एक दो तीन। चलो भाई चलते हैं, चल इस पे काली वाली पे मत चला, सफेद वाली पे चला, सफेद पे चला बिल्कुल आराम से उठा। और सोनू का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, चल 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 सफेद पे चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, चला चला चला।
चल 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 चल, शाबाश शाबाश, चलो और जी ठीक हो? अरे झूले बाद में कर लिए तू, ये कर रहा था झूले, ना सोनू भाई का मन कर रहा घर जाने का, ना इसका युवराज का, ये देखो बाइक जो है ना बार बार काजा की तरफ घूम रही है, ये धनकड़ है ना, ये है ना, शाबाश, डरना नहीं डरना नहीं, अबे ज्यादा उधर बतले, हाँ 5 किलोमीटर भाई साहब, गुरुजी की लगी गुड्डी, गुरुजी की बाइक स्किड कर गई है यहाँ पे, अरे तेल निकला फटाफट, तेल लग गया, चलो 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 उस पड़ा मैं कंट्रोल कंट्रोल, अरे जो काका डट है भी गीत है, देख उड़े तो चढ़ी जाओ प्राण, देखी दे देखी, अरे देख हट गई शांति है, इवलो स्नो फॉल का मजा यार, पीछे वो एक बाइक और गिर गई पुनी, कपिल भाई गिर गए, आराम से चलो, आराम से आराम से ऊपर गुरु जी भी करो हो क्यों गया, अरे कुछ ना हो बड़ा जी सार उतारा मैं मडगाड़ना टूट जाएगा दे, मेरा टूट लिया थोड़ा, अच्छा तड़िए पेश कुछ मार मार के ठोक मारू था, बनेगी थोड़ी ही थी, ब्रेक तो लगती थी, तो भाई दो एक्सीडेंट हो गया, गुरु जी पड़ लिए और कपिल भाई भी गधा का उठे एकदम कसूता, और पड़े पड़े हॉर्न बजाओ है ना भाई, नीचे लकड़ दे हॉर्न बजाओ, रिकॉर्ड करो तब, पर बढ़िया बात है भाई, चोट जाट नहीं लगी कोई से कभी, दोनों ठीक ठाक है, गुरु जी क्या फील कर रहे हो इस टाइम पे भाई, यो फील कर रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ना ये रोड, ये मतलब ऐसा स्लाइडिंग में ऐसे, उस पे जैसे बाइक का जो टायर जाएगा ना तो गिरनी ही गिरनी है, वो जैसे प्लेन है ये बिल्कुल ऐसे, तो उस पे कोई कोई चक्कर नहीं है, तो ये बहुत ना देख के चलानी पड़ती है बाइक, वो गिरेंगी गिरेंगी गारंटी है, हाँ पता क्यों, क्योंकि जो पानी होता है ना ऊपर से जो पानी पंगे बह के आता है वो यहाँ के बर्फ जम जाती है, सोनू कहाँ है, सोनू चल आगे चल, तो अच्छा चलो 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 दो रह गए, ठोक दू रोड पे कोई जाता है ना, हाँ यही तो बताऊं था मैं वो, अच्छा हाँ यही था रास्ता, हाँ हाँ मुद विलेज, मुद विलेज कपिल वैली, हाँ
जो ये है वो अरे पड़ गया सोनू गया वो फिर गया चलो एक मिनट सोनू पड़ गया रुक जाओ स्वाद आ रहा है क्या पढ़ लिया ये मजे है फिर आओगा ये देखो जी आशीष भाई गिर गए पहली बार शायद अपना भी गोडा भाई गिर गई ये आगे कंटेंट के भूखे तो दोनों टायर ऊपर हो गए अपने ये तो कैसे हो गया ये कौन दुखी हो रहा है ये कैसे उठाए इसको पकड़ने का तो हाट है और उठाओ भाई चलो क्यों हो गया पूरी हो गई हाँ कौन बन रहे थे ओए आगे ले आगे बाइक आगे ले बाइक आगे लो बाइक गाड़ी आ रही है आ जाओ भूर भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा एक मिनट हाँ सर आगे कर लो आप थोड़ा नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई जी सोनू भैया क्या कर रहे हो आप हैं बस कितनी बार गिरोगे भैया ना मेरा होगा नहीं होगा हैं तो भाई 4:12 हो चुके हैं और दो दो चाय पी ली है क्योंकि मैं खा लिया है अभी फिलहाल हम हैं ताबो में ताबो जो मेन गेट है ताबो विलेज का उससे थोड़ा सा अंदर आए हैं और ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है यहाँ पे एक ही खुला हुआ है बाकी बाजार से लेके यहाँ तक कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं खुला हुआ था तो अभी देखते हैं भाई क्या प्रोग्राम बनता है हम सोच रहे कि हुरलिंग रुक जाए हुरलिंग यहाँ से 10-15 किलोमीटर है क्योंकि अब जो ना मतलब तुमको जो ना ठंड लगनी चालू हो गई हल्की हल्की तो सोच रहे भाई ज्यादा हालत खराब ना हो इससे पहले कहीं रुक जाए तो सही बोला बिल्कुल जायज बात है बिल्कुल जायज और अभी जो है ना 3 दिन तक जो है स्नोफॉल बता रखी है लाइट स्नोफॉल है जैसे अभी आपने वीडियो में देखी होगी हल्की फुल्की हाँ ये शिमला तक है युवराज को हाँ भाई क्या हाल है तेरे हालत टाइट है जूते उतार रखे भाई पैर पूरे जम चुके हैं बस अपना खाना खा के जांगरा भाई कह रहे हैं कि हुडलिंग कमरा ले लेंगे अब तो बस इंतजार है कि कब हुडलिंग पहुंचेंगे ठीक है और अपना कमरे में 10-12 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है और वो भट्टी मिला है उस भट्टी में हाथ लेके के वही है भाई हकीकत में और बहुत सच बताता हूँ गुरुजी कुणाल भाई और जांगरा भाई का बहुत ही बहुत शुक्रिया कि ऐसी गाइडेंस रही साथ में कि आज हम काजा से निकल आए वरना शायद अगले 2-3 दिन हम काजा में ही हमें रुकना पड़ता बजट और हालत दोनों चीजें खराब होती है दोनों चीजें कंट्रोल में गुरु जी कुछ कहना चाहोगे चलो जी अब आपको मिलता हूँ मैं सीधा गोप्रो मोड़ पे भाई ये देखो जी मतलब 10-15 मिनट यहाँ बैठे थे हमें और ये हालत होगी बाइक की जो कमड़े पर रखती ना वो तो मैंने हटा दी ये देखो और यहाँ से हम रुकेंगे हुरलिंग हुरलिंग जो है ना 15 किलोमीटर है बाइक की भाई सब ठंड मान ली तो KTM की धुआं दे रही है काला धुआं ये देखो जी ये हुई है ताजी ताजी स्नोफॉल बिल्कुल वाइट हो रखा है सब रोड मतलब कुछ मीटर जो है ना वाइट रोड है एकदम फिर उसके बाद ब्लैक आ जाता है फिर उसके बाद वाइट आ जाता है और सामने का तो नज़ारा ही कुछ लगा है भाई साहब मतलब कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो जा रही है लाइट स्नोफॉल मतलब रुकी नहीं रही है फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ जैसा वाला देख लीजिएगा फिलहाल पहुंच चुके हुरलिंग अरे कहना क्या चाहते हो हुरलिंग
बहुत ठंड है, सब सफ़ेद है पीछे देखो, सब सफ़ेद हाथ पांव रहे, इतनी ठंड लग रही है। एंड यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए आए हैं, कोई रूम मिल जाए, यहाँ कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है। टाइम हो रखा है 21:12 मतलब 9:12 और यहाँ पे सब अपना, भाई देखो सब अपनी, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फ्रेश हो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। गुरुजी फ्रेश हो रहे माइंड से? क्या क्या दोगे? बोल दो सर जी, ब्लॉग फेमस हो जाएगा। अरे सर आपकी बोलो ना। ये यहाँ पे बन रहा है, हम बन रही है हमारी मैगी, पूरा स्टोव वगैरह सब कुछ तैयार है। घंटा तैयार है, पतीला मिल नहीं रहा है मैगी बनाने के लिए, बैठ गया। और यहाँ पे देखिए सबके सबके जूते सूख रहे हैं। एंड आज हम लोग रुक चुके हैं होल्डिंग में, देखिए अगर कल का मौसम ठीक रहता है तो यहाँ से निकलेंगे, वरना वी विल प्रेफर कि यहीं पे स्टे लेते हैं। तो भाई मैगी का प्रोग्राम चल गया है, यहाँ पर हमने एक रेस्ट हाउस लिया था जो सरकारी था। हमारे साथ जो डीटी तैया जी आए हुए हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हरियाणा में, तो उनका आई कार्ड दिखाया हमने यहाँ, तो उन्होंने हमारे को ये रेस्ट हाउस दे दिया रेंट पे और बहुत रिजनेबल प्राइस पर, करीबन 200 रुपए पर हेड लिया उन्होंने हमसे। और लेकिन यहाँ खाने की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम अपना सारा सिस्टम, गैस, चूल्हा, मैगी, ये अपनी परचून की दुकान साथ में लेकर आए हैं। तो अब बन रही है भाई मैगी, उन सबने खा ली है। चेक तो करो, अनून सेक लो आते। ये बात याद आई जा है, इसे वो मनीषा वाली पूछ के मोटरसाइकिल वीडियो बना के लाया है, तुम्हारी भी तो बहुत बर्फ गिरी, मेरी तो दीवार के साथ में है, वो शेड के नीचे कम आ रही है एक साइड में,